तो गाइस वीवो की सब ब्रांड IQ ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि है IQ 7। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि IQ के जितने भी मोबाइल अभी तक आपको देखने को मिले हैं वो सारे ही मोबाइल दोस्तों आपको फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिले हैं, तो ये स्मार्टफोन भी उनमें से एक ही है। क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलते हैं वो टॉप लेवल के मिलने वाले हैं। आगे मैं आपको सब कुछ गाइस क्लियरली बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों के पास आ सके। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मोबाइल के डिज़ाइन और लुक के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों डिज़ाइन में डिस्प्ले जो आपको 5 वोल्ट वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पर अगर आप बैक साइड में देखें तो यहाँ पर जो कैमरा का जो डिज़ाइन और लुक है वो गाइस थोड़ा सा इंस्पायर्ड है दोस्तों वीवो V20 की सीरीज से। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन और लुक दोनों ही आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी अगर यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले गाइज आपको 6.62 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले गाइज देखने को मिलने वाली है, और साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है, और ये स्क्रीन HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। और अगर यहाँ पर कैमरे की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा आपको जो है रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, उसके बाद 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, और फिर से एक 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिला के बैक साइड में आपको 3 कैमरे देखने को मिलने वाले हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर गाइज अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर दोस्तों एकदम आपको लेटेस्ट जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का दोस्तों 888 वाला जो प्रोसेसर अभी अभी लॉन्च हुआ है वो प्रोसेसर गाइज आपको इस मोबाइल में देखने को मिलने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 और GPS और NFC भी गाइज यहाँ पर इस मोबाइल में आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी USB Type-C भी आपको इसमें सपोर्टेड मिलने वाला है, और यहाँ पर गाइज आपको 3.5 mm जैक जो है वो नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही कम बैटरी है। लेकिन गाइज उसके साथ जो आपको फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है वो गाइज अब तक का सबसे दुनिया का सबसे फास्ट चार्जिंग आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120 वाट का फास्ट चार्जिंग दोस्तों देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके फ़ोन को दोस्तों 0 से 100% सिर्फ 15 मिनट में ही दोस्तों चार्ज कर देगा। तो अब तक का ये दोस्तों सबसे फास्ट चार्ज करने वाला मोबाइल बन जाएगा दोस्तों IQ 7। और गाइज इस फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8 GB 128 GB और 12 GB 256 GB। यहाँ पर ये मोबाइल दोस्तों आपको 3 कलर में देखने को मिलने वाला है, ग्रे, ब्लू और वाइट में। और यहाँ पर गाइज आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलने वाला है। अब गाइज अगर बात करें इस मोबाइल के प्राइस के बारे में तो यहाँ पर जो चाइना में लॉन्च हुआ है उस प्राइस को दोस्तों अगर इंडियन प्राइस में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो 43,000 के अराउंड दोस्तों यहाँ पर इसकी प्राइस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस इसकी देखें तो 40,000 से 45,000 के बीच में आपको इंडिया में इस मोबाइल की प्राइस जो है वो देखने को मिल सकती है गाइज। इसके अलावा गाइज अगर इसके रिलीज डेट की बात करें तो यहाँ पर इसको रिलीज होने में अभी बहुत ही टाइम है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड डेट जो है वो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो शायद इस फोन दोस्तों आपको मार्च या फिर अप्रैल के महीने में इंडिया में देखने को मिल सकता है, लेकिन 1.5 से 2 महीने का टाइम दोस्तों इस मोबाइल को इंडिया में लॉन्च होने में जरूर लगने वाला है। तो बाकी आप मुझे बताएं कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा है, और गाइज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। खैर मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।